जानेंगे। हम लोगों ने रेट, रिदम, वॉल्यूम, इक्वालिटी, इन चीजों के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज के इस क्लास में हम लोग डिफरेंट कैरेक्टर की बुनियाद पर जो पल्स मिलती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थ्रेडी पल्स, थ्रेडी पल्स किसको कहते हैं? धागानुमा पल्स। इसका कैरेक्टर, इस पल्स का कैरेक्टर किस तरह का होता है? लोग रैपिड पल्स रेट, रेडी पल्स का कैरेक्टर किस तरह का होता है? लो वॉल्यूम रैपिड पल्स रेट। इसमें नब्ज का हजम जो है वो लो होता है, लेकिन उसकी रफ्तार और रेट जो होती है वो सरी होती है, वो तेज होती है। इस तरह की पल्स किस कंडीशन या किस मर्जी हालत में मिलती है? पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेल्योर, दौरान में जब सूट लायक होता है उस वक्त इस तरह की पल्स रेट। अख्तर जमाली, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मेरी आवाज आ रही है? ओके, हाँ सर आ रही है। यानी कार्डियोजेनिक शॉक में, सदमा कल्बी में थ्रेडी पल्स मिलती है। सदमा कल्बी में थ्रेडी पल्स मिलती है। नंबर टू, पल्सस ट्राइजेमिनस। दूसरी पल्स किस तरह की होती है? अब मैं दूसरी पल्स के एक दूसरी वैरायटी के बारे में बात कर रहा हूं, पल्सस बायजेमिनस। बायजेमिनी का मतलब होता है ट्विन, जुड़वा, कपलिंग। बायजेमिनी के लफ्जी माने क्या है? जुड़वा, कपलिंग या ट्विन। पल्सस लैटिन में पल्स को कहते हैं, बायजेमिनी ट्विन्स के लिए बोला जाता है। इसमें जो पल्स मिलती है टू बीट, उसके बाद एक पॉज मिलेगी, दो नब्जा के बाद एक वक्फा मिलता है। कपलिंग ऑफ द पल्स वेव इन पेयर्स फॉलोड बाय अ पॉज, यानी दो बीट मिलेंगी उसके बाद फिर एक पॉज या वक्फा मिलेगा, फिर दो बीट मिलेंगी। इसी वजह से इसको पल्सस बाय जेमिनस कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड पल्सस बाय जेमिनस? बिकॉज ऑफ देयर आर टू बीट्स फॉलोड बाय अ पॉज, उसे के बाद एक वक्फे का पाया जाना, इस वजह से इस तरह की नब्ज को पल्सस बाय जेमिनस पल्स कहते हैं। दूसरे अल्फाज में या आसान शब्दों में अगर कहें, टू बीट्स एंड ऑफ पॉज रिकर रिपीटेडली इन अ रेगुलर फैशन, दो बीट के बाद एक वक्फा, फिर दो बीट, फिर एक वक्फा, फिर दो बीट, एक वक्फा, इसलिए इसको पल्सस बाय जेमिनस पल्स कहते हैं।
इक्कीस तरह की मर्जी कैफियत यकीन अमराज के नतीजे में इस तरह की पल्स पाई जाती है। डिजिटेलिस टॉक्सिसिटी, डिजिटेलिस नामी अद्विया के इस्तेमाल की वजह से जब जिस्म पर इसके सम्मी असरात, जहरीले असरात मुरतब होते हैं तो उस कंडीशन में पल्स इस नौयत की मिला करती है या फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक या साइनो एट्रियल ब्लॉक की कंडीशन में नब्स का कैरेक्टर इस तरह का हुआ करता है। नेक्स्ट पल्स है एनाक्रोटिक पल्स, एनाक्रोटिक पल्स ये भी एक एबनॉर्मल टाइप की पल्स है। एना मीन्स ग्रीक में होता है अप, क्रोटोस कहते हैं स्ट्रोक को, अप स्ट्रोक। एनाक्रोटिक पल्स इस पल्स को कहते हैं जिसमें इसमें जो पल्स की नौइयत होती है स्लो राइजिंग ट्वाइस बीटिंग पल्स, स्लो राइजिंग ट्वाइस बीटिंग पल्स वेयर बोथ द वेव्स आर फेल्ट ड्यूरिंग सिस्टोल। पल्स स्लो राइज करती है और उसमें दो बीट महसूस होती है और दोनों वेव जो है ये सिस्टोल के दौरान महसूस होती हैं। दोनों लहरें वेव्स ये सिस्टोल के, हार्ट के सिस्टोल के दौरान महसूस होती हैं। और वो वेव वो कौन कौन सी होती है, एनाक्रोटिक वेव और टाइडल वेव। एनाक्रोटिक और टाइडल वेव एनाक्रोटिक पल्स में मिलती है और इस तरह की पल्स जो है अमूमन किस कंडीशन या किस मर्ज में मिला करती है, एओर्टिक एस्टिनोसिस तजयु के औरेता के मर्ज में एनाक्रोटिक पल्स मिलती है। और इस पल्स को कौन सी आर्टरी में महसूस कर सकते हैं अच्छी तरह से, कैरोटिड आर्टरी में, शिरियान सुबाती में, शिरियान सुबाती में एनाक्रोटिक पल्स को अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। एनाक्रोटिक पल्स के बाद डायक्रोटिक पल्स की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एबनॉर्मल टाइप की कौन सी पल्स होती है, डायक्रोटिक पल्स। ये पल्स जो होती है ट्वाइस बीटिंग पल्स होती है। इसमें परकशन वेव जो है सिस्टोल के दौरान और सेकेंड जो डायक्रोटिक वेव होती है वो डायस्टोल के दौरान मिलती है। डायक्रोटिक पल्स में, डायक्रोटिक पल्स ये ट्वाइस बीटिंग पल्स है जिसमें परकशन वेव जो है सिस्टोल के दौरान और डायक्रोटिक वेव डायस्टोल के दौरान महसूस होती है। डायक्रोटिक वेव डायस्टोल के दौरान
पाई जाती है। इसके मुतअद्दिद असबाब हैं, इसके बहुत सारे असबाब हैं। इस तरह की पल्स जो टाइफाइड फीवर है उम्मा तैफुदिया, उसके दूसरे हफ्ते में इस नौयत की नब्ज मिला करती है। म्यादी बुखार के दूसरे हफ्ते में इस तरह की नब्ज का मिलना गालिब ये है, ये ख्याल किया जाता है कि जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफाई, उसकी समियत की वजह से जो उसका टॉक्सिन ग्रुप के अंदर खून के अंदर शामिल है वो सर्कुलेट कर रही है, उसकी वजह से इस तरह की पल्स मिल रही है। दूसरी वजह क्या है इस डायक्रोटिक पल्स की? कंजेस्टिव कार्डिक फेल्योर, सुकूते कल्ब, इम्तिलाई, इस मर्ज में भी डायक्रोटिक पल्स मिलती है, या फिर हाइपोवोल्यूमिक शॉक, सदमा बसबब इल्लते हजम, या फिर डिफ्यूज मायोकार्डियल डिसीज, या इंडोटॉक्सिक शॉक के नतीजे में भी डायक्रोटिक पल्स मिलते हैं, या ओपन हार्ट सर्जरी के बाद पल्स की नौयत या कैरेक्टर इस तरह का होता है। ये पल्स भी जो है लो वॉल्यूम पल्स हुआ करती है। वॉल्यूम के बारे में हमने बताया था कि पल्स प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, 30 to 60 मर्करी मिलीमीटर। पल्स प्रेशर जो है 30 to 60 मर्करी मिलीमीटर हुआ करता है, ये नॉर्मल पल्स वॉल्यूम है। अगर लेस देन 30 पल्स प्रेशर हो तो उसको लो वॉल्यूम पल्स कहते हैं, और अगर पल्स प्रेशर मोर देन 60 मर्करी मिलीमीटर हो तो उसको हाई वॉल्यूम पल्स प्रेशर कहते हैं, पल्स कहते हैं। एनाक्रोटिक डायक्रोटिक पल्स के बाद पल्सस बिस्फेरिंस। अब मैं एक दूसरी पल्स का जिक्र कर रहा हूं, क्या नाम उसका? पल्सस बिस्फेरिंस। बिस्फेरिन का मतलब होता है टू बीट, धड़कना फड़कना, और पल्सस लैटिन में पल्स को कहते हैं। ये जो पल्स होती है दिस इज रैपिड राइजिंग ट्वाइस बीटिंग पल्स, ये पल्स भी जल्दी से राइज करती है और इसमें दो बीट महसूस होती है। और दोनों वेव जो होती है ये सिस्टोल के दौरान महसूस होती है। दिस इज रैपिड राइजिंग ट्वाइस बीटिंग पल्स वेयर बोथ द वेव्स आर फेल्ट ड्यूरिंग सिस्टोल। इसमें परकशन वेव पहले महसूस होती है, उसके बाद एक स्मॉल वेव महसूस होती है, और दोनों सिस्टोल के दौरान ही महसूस होती है। ऐसा नहीं कि एक सिस्टोल में और दूसरा डायस्टोल में महसूस होती है, बल्कि दोनों के दोनों सिस्टोल के दौरान ही महसूस होती है। और ये पल्स भी जो है हाई वॉल्यूम डबल बीटिंग पल्स है।
हाई वॉल्यूम डबल बीटिंग पल्स है। इस पल्स को बेहतर तरीके से कहाँ पे महसूस कर सकते हैं? ब्रेकियल आर्टरी में या कैरोटिड आर्टरी में? ब्रेकियल आर्टरी, शिरियान, काबरी, कैरोटिड आर्टरी, शिरियान, सुबाती। पल्सस बिस्फेरिंस को सबसे अच्छी तरह से किन शिरियानों में महसूस कर सकते हैं? ये दो शिरियान है, ब्रेकियल आर्टरी या कैरोटिड आर्टरी। इस पल्स का कैरेक्टर क्या है? हाई वॉल्यूम डबल बीटिंग पल्स। और आमतौर से ये इस नौयत की पल्स जो है किस मर्ज में मिलती है? कंबाइंड जब एओर्टिक एस्टिनोसिस और एओर्टिक इनकॉम्पिटेंस दोनों बैक वक्त मर्ज पाया जाता है, दोनों अमराज बैक वक्त जब पाए जाते हैं, इस सूरत में पल्सस बिस्फेरिंस पल्स मिलती है। मोहम्मद जाहिद, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। और इसी तरह से आइसोलेटेड एओर्टिक इनकॉम्पिटेंस में या फिर हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में इस तरह की पल्स मिला करती हैं। यानी पल्स पल्सस बिस्फेरिंस। एक और एबनॉर्मल पल्स है जिसको कहते हैं पल्सस पार्वस ईटी टार्डस। क्या कहते हैं? पल्सस पार्वस ईटी टार्डस। पल्सस लैटिन में पल्स को, और पार्वस मीन्स होता है लो वॉल्यूम, और टार्डस मीन्स होता है स्लो और लेट। पल्सस पार्वस ईटी टार्डस। पल्सस लैटिन में पल्स को कहते हैं, पार्वस मीन्स होता है लो वॉल्यूम, टार्डस मीन्स होता है स्लो और लेट। इस तरह से अब क्या इस पल्स को कहेंगे? स्लो राइजिंग लो वॉल्यूम पल्स। स्लो राइजिंग लो वॉल्यूम पल्स किसकी खसूसियत है? पल्सस पार्वस ईटी कार्डस। पल्सस पार्वस ईटी टार्डस इज अ स्लो राइजिंग पल्स लाइक द एनाक्रोटिक पल्स, बट द एनाक्रोटिक वेव इज नॉट फेल्ट। ये पल्स भी एनाक्रोटिक वेव जैसी ही पल्स है, लेकिन इसमें एनाक्रोटिक वेव महसूस नहीं होती है। ये पल्स भी किस मर्ज में मिलती है? एओर्टिक एस्टिनोसिस में, सदयू के अवरेता में, सदयू के अवरेता में इस नौयत की नब्ज मिलती है। नेक्स्ट पल्स है पल्सस अल्टरनेंस। पल्सस अल्टरनेंस पल्सस अल्टरनेंस में नब्ज की नौयत कैसी होती है? नब्ज किस कैरेक्टर का होता है? इसमें जो है जो बीट मिलती है वो एक स्ट्रॉन्ग बीट मिलती है और एक वीक बीट मिलती है। यानी एक नब्जा कवी होता है और दूसरा नब्जा जयीफ होता है। जो पल्सेशन फील होती है,
फील होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग और दूसरा वीक महसूस होता है। अल्टरनेंस, मुख्तलिफ, नब्जे मुख्तलिफ। इसको अगर यूनानी के पस मंजर में देखेंगे तो क्या कहेंगे इसको, नब्जे मुख्तलिफ, पल्सस अल्टरनेंस। पल्सस अल्टरनेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग एंड वीक बीट अकरिंग अल्टरनेटली। एक नब्जा कवी होता है, दूसरी दूसरा नब्जा ज़ईफ होता है। इस तरह यके बाद दिगरे कवी और ज़ईफ नब्जात महसूस होते हैं, बीट्स महसूस होती हैं, और ये नब्ज किस तरह के अमराज में मिलती हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर में, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर में पल्सस अल्टरनेंस। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर में पल्सस अल्टरनेंस मिला करती हैं। एक स्ट्रॉन्ग और एक ज़ईफ बीट मिलने की क्या वजह है, स्ट्रॉन्ग और वीक बीट क्यों मिलते हैं, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर की वजह से जो वेंट्रिकल के मसल्स फाइबर हैं जो हेल्दी होते हैं वो तो स्ट्रॉन्ग बीट प्रोड्यूस करते हैं, और जो डिजेनरेट कर जाते हैं उससे जो है वीक बीट पैदा होती है। इसी वजह से इसमें ये दो अलग अलग किस्म के नब्जात या बीट मिला करती है। पल्सस अल्टरनेंस की वजह समझ में आ गई होगी कि इसमें जो है इसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर जैसे जो मसल फाइबर्स हैं कुछ हेल्दी रहते हैं और कुछ डीजेनरेट कर जाते हैं। जो हेल्दी होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बीट प्रोड्यूस करते हैं, और जो अनहेल्दी होते हैं वो वीक बीट प्रोड्यूस करते हैं। इसी वजह से दो अलग अलग किस्म की बीट्स मिला के यानी डिफेक्टिव इलेक्ट्रो मैकेनिकल कपलिंग की वजह से इस नौयत की नब्ज मिलती है। इसके और दिगर असबाब क्या क्या है, टॉक्सिक मायोकार्डाइटिस, टॉक्सिक मायोकार्डाइटिस, इल्तिहाब अज़ला कल्ब सम्मी या पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया। इन सूरतों में नब्ज की नौयत जो होती है पल्सस अल्टरनेंस। पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया मैंने पढ़ाया था, इसमें पल्स रेट जो है मोर देन 160 बीट पर मिनट मिला करती है, तो क्या कहते हैं पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया। ठीक है, हेलो, ये सारी बातें समझ में आ गई। तो कुछ पूछना उछना है तो पूछ सकते हैं।